स्कूटा बस सर्विस काफ़ी अच्छी होती है, बट समटाइम्स जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो थोड़े से रूड हो जाते हैं। सो आज मैं अपनी जर्नी करने जा रहा हूँ दलात से साइगोन यानी हो चुन। सो बस स्टार्ट हो गई है और टाइम जो हो रहा है 9:08। रुके हुए हैं लंच के लिए और अभी टाइम हो रहा है 12:30। ये ऐसी जगह है, मैंने किया था राइस एंड चिकन नहीं है और एग मिला है, ऑमलेट नहीं बन रहा है, तो यही खाना पड़ेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूँ इस समय दलात में और पिछले कुछ वीडियोज़ आप देखे होंगे दलात के, जब मैं दनांग से दलात आया था तो मैंने उसमें बस जर्नी अपनी दिखाई थी और कैसे दिखाया भी था कि क्या सर्विस थी। वैसे फूटा बस सर्विस काफ़ी अच्छी होती है, बट समटाइम्स जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो थोड़े से रूड हो जाते हैं। सो आज मैं अपनी जर्नी करने जा रहा हूँ दलात से साइगोन यानी हो ची मिन्ह। सो ये जर्नी दलात से हो ची मिन्ह की होने वाली है। जो टिकट कॉस्ट मुझे पड़ा वो पड़ा 300K, इट्स लाइक अराउंड 3 लाख, और अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो अराउंड 1000 रुपीज़। सो ये बस स्टेशन मैंने आपको दिखाया था, जितने लोग भी मेरे पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पिछली वाली वीडियोज़ जाके देख सकते हैं, बट आई गेस दिस बस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और दलात से जो साइगोन या हो ची मिन्ह का नाम साइगोन था पहले, अब उसका नाम हो ची मिन्ह पड़ गया है, तो अगर आप साइगोन भी देखें तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो दलात से हो ची मिन्ह की जो जर्नी है वो बहुत ही छोटी जर्नी है, लाइक 7 आवर्स की जर्नी होगी। जो कॉस्ट है वो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, इट्स लाइक 300K, इसीलिए आई गेस जो बस है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी बस है और इसमें सीट भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर। सो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बैग रख देता हूँ अंदर। सो ये तो मैं अंदर लेके जाऊँगा और ये मैं दे देता हूँ। एक्सक्यूज मी, दिस बैग। So, ये मेरा टिकट है। Can I take this bag inside? Yes. भाई काफ़ी स्पेस रहता है यहाँ पर। तो शूज़ निकालने पड़ेंगे और शूज़ इस पॉली बैग में रखना होगा। तो भाई ये बस बिल्कुल डिफरेंट है पहले जैसे बसों की तरह। सामने स्क्रीन है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है इसमें। सो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। जो फूटा बस सर्विस है वियतनाम में काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप आ रहे हैं वियतनाम तो फूटा बस सर्विस से आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इनकी बसेस जो हैं वो अलग अलग रेट्स के लिए अलग अलग बस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा चीप में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वो पहले भी आपने देखा है, बट उसके लिए भी मैंने कॉस्ट अराउंड 300-400 पे किया है। बट ये जो जर्नी है ये स्मॉल डिस्टेंस की जर्नी है, इसमें मैं पे कर रहा हूँ 300K और मुझे इस तरह की बस सर्विस मिली है और इसमें सीट भी काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं सीट को पूरा पीछे कर सकता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। और इसमें लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है, मैं अपने बैग भी रखा हूँ यहीं पर, एक
और वाटर बॉटल के लिए जगह है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कुछ और सामान के लिए चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर, और स्क्रीन है। ये लाइट है इसके लिए, यहाँ पर एसी के दो पॉइंट्स हैं। ये लाइट है, सो अगर ये लाइट बंद हो गई यहाँ की, और यहाँ पर कर्टन्स हैं, ये आप कर्टन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप कर्टन्स लगा सकते हैं इस तरह से। सो काफ़ी अच्छी बस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बस है ये वाली बस, काफ़ी अच्छी है और पहली बार मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ, इट्स माय फर्स्ट टाइम, और काफ़ी लग्जरी है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो टाइम हो रहा है 9 AM एंड बस स्टार्ट हो गई है, और अगर आपके पास हेडफोन है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट है एंड ये एंड नाउ इट्स टाइम फॉर दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर बॉटल्स। थैंक यू। सो ये आ गई है वाटर बॉटल, ऑलरेडी मेरे पास है, एंड ये आ गया टिश्यू आई गेस। सो इस समय हम लोग लंच के लिए रुके हुए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 12:30, और इस तरह का एरिया है। सो मैंने ऑर्डर किया है राइस एंड एग, और क्योंकि चिकन नहीं था तो राइस एग, एंड मैंने बोला है कुछ वेजीज ऐड करने के लिए, तो लेट्स सी कुछ वेजीज ऐड करती हैं या नहीं। Come on. ऑर्डर तो मैंने किया था राइस एंड चिकन, चिकन नहीं है और एग मिला है, ऑमलेट नहीं बन रहा है तो यही खाना पड़ेगा, और ये सूप मिलता है तो चलिए खाते हैं इसको। सो लंच हो गया है और अब यहाँ से निकलना है। मुझे यहाँ एक चीज़ अच्छी लगती है वियतनाम में, अभी तक जितना मैंने ट्रैवल किया है और मेरे अब कुछ आखिरी के दिन हैं वियतनाम में, यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो वुमेन हैं, उनकी एक लाइफ है यहाँ पर, और वो सब वर्क करती हैं। हम अभी मैं सिटी में नहीं हूँ, ये मैं दो सिटी के बीच में कहीं पर रुका हुआ हूँ, ये कोई जगह है ऐसी, बट इस रेस्टोरेंट में जो नंबर ऑफ़ वुमेन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ मैन। सो एटलीस्ट मैंने देखा कि जो शेफ़ हैं, 3-4 ही शेफ़ हैं जो मेन हैं, बाकी सारी वुमेन हैं। और सिर्फ यही नहीं, हर जगह मैं वियतनाम में हर सिटी में गया, हर विलेज में गया, जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा हैं, वर्क कर रही हैं, उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, अपनी लाइफ है, और अच्छे से इंजॉय करती हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मतलब अगर आप विलेज भी जाएंगे तो आपको इस तरह का चीज़ नहीं दिखेगा, इस तरह का कल्चर भी नहीं दिखेगा। सो लेट्स गो। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 8 AM। मैं हूँ इस समय हो ची मिन सिटी अपने होस्ट के यहाँ, एंड कल मैं आ गया था हो ची मिन अराउंड 5:30, बस ने मुझे ड्रॉप किया, बट 10 किलोमीटर डिस्टेंस था सिटी सेंटर से मेरे होस्ट के घर, तो मैंने बस ली। एंड यहाँ की ट्रैफिक लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा सिमिलर है इंडिया के ट्रैफिक से, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई और न्यू दिल्ली तो आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और सभी के पास स्कूटी है, सभी के पास, बहुत से कम ही लोग हैं यहाँ पर जो कार से चलते हैं, बल्कि हालांकि आप कार देखेंगे बट हो ची मिन सिटी में स्कूटी ज़्यादा आप देखेंगे, स्कूटी आप ज़्यादा देखेंगे क्योंकि कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है क्योंकि ट्रैफिक है ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि स्कूटी सस्ता है, बट हाँ
क्योंकि यहाँ पर दो तरह की स्कूटी हैं, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में गियर्स होते हैं, क्लच नहीं होता है, और ऑटोमेटिक सेम जैसे इंडिया में होती है। सो अभी मैं हूँ अपने होस्ट के यहाँ, आज मेरा आखिरी दिन है वियतनाम में, एक मंथ कंप्लीट हो गया है, कल मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। सो मैं कल मॉर्निंग में निकल जाऊँगा यहाँ से, और गुड न्यूज़ ये है कि कंबोडिया का वीज़ा आ गया है, सो मैं कंबोडिया जा रहा हूँ। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे होस्ट का रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है, एंड बाहरी रेस्टोरेंट भी है। सो बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा, आज मैं हो ची मिन्ह सिटी घूमूंगा, एंड देन मैं कल निकलूँगा यहाँ से कंबोडिया के लिए। सो अगर आप आ रहे हैं सो आप ये बुक भी कर सकते हैं, इसका काफ़ी अच्छा ये स्टे है, डायरेक्टली आप वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, या मैं नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो दैट्स इट, मैं अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आपने मेरी जर्नी देखी होगी फ्रॉम दलाड टू हो ची मिन्ह, एंड देन मैं अपने होस्ट के आया और ये वो जगह थी। अब मैं यहाँ से मूव करूँगा कल कंबोडिया के लिए, बट आज मैं एक व्लॉग बनाने वाला हूँ हो ची मिन्ह सिटी का। कुछ प्लेसेस हैं जो मुझे कवर करने हैं, मैं जाऊँगा, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लेसेस तो नहीं कवर कर पाऊँगा एक दिन में, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं घूमना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वो वीडियो आपको दिखाऊँगा। बट अगर आप हो ची मिन्ह आ रहे हैं तो आप 2-3 दिन हो ची मिन्ह को दे सकते हैं, 3 दिन ईजिली आप स्पेंड कर सकते हैं हो ची मिन्ह में। मेरा तो सिर्फ 2 दिन है, और लास्ट कल मतलब 3 दिन मेरा भी रहेगा, एक दिन तो मेरा जर्नी में चला गया, आज ही मेरे पास प्रॉपर टाइम है, कल सुबह मैं कंबोडिया के लिए निकल जाऊँगा। तो आज मुझे बस भी बुक करना पड़ेगा, और कंबोडिया के लिए बस भी जाती है, फ्लाइट भी जाती है, आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। मुझे लैंड बॉर्डर क्रॉस करना है तो मैं बस लूँगा, वो डिटेल्स मैं आगे देता रहूँगा। जितने लोग भी नए हैं, पुरानी वीडियोज़ नहीं चेक की है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस वियतनाम की डाल दी है, और ये अगर आप अभी जस्ट जुड़े हैं वीडियो में, ये लास्ट वीडियो होगी या सेकंड लास्ट वीडियो होगी, उसके बाद तो मैं कंबोडिया लूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जितने लोग नए हैं प्लीज़ एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, पुराने लोग शेयर कीजिए, अपने थॉट्स बताइए कैसे लग रही है वीडियो, एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।